हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक। तो चलिए एक और स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं, एंड ये स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड का। हमने पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स कवर करे हैं जहां पर मोमेंटम आ भी सकता है, जहां पर किसी स्टॉक्स के अंदर बेसिकली रिजल्ट्स भी आए हैं उसके बेसिस पर भी आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब साथ में ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक नया नोटिफिकेशन आया है, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, एंड पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा ट्राइडेंट लिमिटेड का जो स्टॉक है वो 8 रुपए से लेके और 40 रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि अपने बेसिकली लेवल्स अगर आप देखेंगे इसके तो 5 गुना ये स्टॉक हो चुका है, 5 टाइम्स। कब से? दिसंबर 2020 से लेके एंड अगर आप अक्टूबर 2021 तक की बात करें तो इतना बड़ा गेन यहां पर ये ऑलरेडी अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुका है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर भी आप देखेंगे तो नया 52 वीक हाई लगाया 41.25 का, लेकिन उसके बाद यहां पर गिरावट के साथ में ये स्टॉक बंद हुआ है। तो एक्चुअली में इस स्टॉक के अंदर आपको पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसी के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं, और साथ ही में वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा जिसके बेसिस पर ये सारी चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं कि यहां पर कल भी एक अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बेसिकली बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर लेके चलता हूं, एंड एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहां पर ASM LT स्टेज 1 आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म यहां पर जो है लगाया गया है इस स्टॉक के ऊपर। और जब किसी भी स्टॉक में ये ASM LT स्टेज 1 या फिर स्टेज कोई अदर स्टेज लगती है तो क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहां पर ऑपरेटर्स या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है जो एक्चुअली में देखिए यहां पर स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी स्टॉक में कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में जा रहा है तो उसको यहां पर यह चीज जरूर चेक करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी स्टॉक में बैठा है कोई ऑपरेटर तो वो कब एंट्री लेगा, कब एग्जिट लेगा, अगर आप उसके मूव को नहीं समझ सकते हैं तो फिर आप हायर लेवल्स पर लेंगे एंड लोअर लेवल्स पर बेचेंगे, यानी कि देखिए आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि कहां पर ऑपरेटर बैठा हुआ है एंड क्या उसकी पोजीशन साइजिंग है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि किस तरीके का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखें नोटिफिकेशन क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, 15th of October 2021 का ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्लियरली आप देख पाएंगे क्या कुछ दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो इनका प्लांट है बुढ़नी में, जिस एरिया का नाम है बुढ़नी, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बेसिकली 7.6 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया है एंड कंप्लीटली फॉर कैप्टिव यूज। यानी कि जो ये सोलर प्लांट लगाया है इसमें जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी खुद यूज करेंगे, खुद कंज्यूम करेंगे। एक्सपेक्टेशन है कि देखिए 33,500 यूनिट्स एक दिन के अंदर यहां पर जनरेट होती हुई दिखाई देंगी, एंड दैट ऑल टू बी कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट बुढ़नी मध्य प्रदेश, रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल सेविंग ऑफ द कंपनी। तो देखिए आज की तारीख में जो पावर है वो इतनी ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है, इतना ज्यादा क्राइसिस है कि कोयले के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इनफैक्ट कोयले की शॉर्टेज की वजह से आपको 24 आवर्स रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पा रही। इसका मतलब क्या है? इसका क्लियर मतलब ये चीज है कि अगर यहां पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगातार थर्मल पावर स्टेशन से बिजली लेती रही तो उनको यूनिट चार्ज जो है वो भी ज्यादा देना पड़ेगा, एंड ओवरऑल जो कॉस्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब देखिए बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स ही कंपनी बनाती है, एंड इसके अंदर एक फ्लैगशिप कंपनी है ट्राइडेंट जो बेसिकली यान, बाथ एंड बेड लिनन के ऊपर कामकाज करती है। अब ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सेगमेंट लोकल मार्केट में भी बहुत हैवी कंपटीशन आपको देता है, यानी कि जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा कम दाम में। तो अगर ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं रखेंगी, वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी उसको पास ऑन करेगी कस्टमर्स के ऊपर, एंड इनके जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली होते हुए नजर आएंगे, और इस रेस के अंदर, इस कॉम्पिटिटिव रेस के अंदर इनके प्रोडक्ट्स पिछड़ जाएंगे। इसलिए ये जो एक
प्लान इन्होंने ये लेके आए हैं सोलर पावर का लगाने का, ये एक बहुत इफेक्टिव प्लान है और ऐसा ही प्रोडक्टिव सोच हर कंपनी को रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग रन में इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हद तक इंक्रीज होगी, ये अपनी कॉस्ट कटिंग को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। अब आप देखिए 7.6 मेगावाट सोलर प्लांट ये लगाने जा रहे हैं जो 33,500 यूनिट्स पर डे बेसिकली प्रोड्यूस करेगी। इस कॉस्ट को अगर आप देखें, अगर बेयर मिनिमम जो कॉस्ट है 10 रुपए भी आप लेके चले, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा ही होगी, 12-13 रुपए के आसपास कोई इंडस्ट्रियल में यूनिट का रेट होगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आप सोच सकते हैं पर डे का कितना जबरदस्त सेविंग ये कंपनी कर सकती है। एंड वो सेविंग कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आती हुई दिखाई देगी, जो ओवरऑल आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर इस कंपनी की जो फाइनेंशियल बुक्स है उसको और स्ट्रॉन्ग करती भी नजर आएगी। तो ये तो है देखिए न्यूज़। अब हम लोग पहले देखते हैं कि कैसा इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर डिलीवरी पोजीशंस रही है। तो डिलीवरी पोजीशंस आप देखिए यहां पर 43.64 यानी कि ऑलमोस्ट 44% आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि देखिए सर्किट भी लगा लेकिन सर्किट खुल गया एंड सर्किट से नीचे क्लोजिंग हुई है। तो 44% जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कल के मूव को और ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगी, लेकिन क्या आपको इस मूव के अंदर कोई पार्टिसिपेशन अपना दिखाना चाहिए या नहीं, वो देखिए हम लोग चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने डेली चार्ट्स हैं एंड डेली चार्ट्स पर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में। अगर आप देखेंगे क्लियरली तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल से बहुत शार्प सेलिंग आई है, जिसने इस स्टॉक को 41 के लेवल से और देखिए कहां तक पहुंचा दिया था। अगर मैं इसको मार्क करने की कोशिश करूं तो ये लेवल है 37 रुपीज के, 37 रुपीज तक की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, और ये जो हायर लेवल से 41 रुपीज के। अब इसको प्राइस एक्शन को 2 मिनट के लिए यहीं पर ही पॉज करते हैं, आप जरा नीचे आइए वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए कितना बड़ी बार रेड कलर की एंड ये सेलिंग शो कर रही है कि सेलिंग इतनी जबरदस्त थी कि जितनी पिछले 3 दिन में यहां पर पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी यानी कि बाइंग होती हुई दिखाई दी वो यहां पर सारी कटती हुई दिखाई दी है। अगेन अगर आप देखें 5 दिन पहले कितना बड़ा बार है ये वॉल्यूम का सेलिंग साइड में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे कितनी जबरदस्त यहां पर बिकवाली हुई है कि इन लेवल से स्टॉक यहां पर आ गया है 32 रुपए के लेवल पर आ गया है एंड कहां से आप ये देखिए तकरीबन 36 रुपीज के लेवल से 32 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है, अगेन हैवी वॉल्यूम्स के साथ में। और इस बार को भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो पीछे के जितने भी वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे यहां पर आके कंज्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट मींस क्या है, यहां पर आप एक अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इतने बड़े वॉल्यूम्स के अंदर सेलिंग करना या फिर इतने बड़े वॉल्यूम्स के अंदर बाइंग करना ये रिटेल ट्रेडर्स के हाथ की बात नहीं होती। एंड यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई FII या DII एक्टिव है जो बेसिकली प्राइस एक्शन को मैनिपुलेट करके अपने प्रॉफिट को ले जाना चाहता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सारी चीजों से कंपनी के मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ASM ST स्टेज 1 यहां पर लगा हुआ है, LT स्टेज 1 यहां लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि पैनी स्टॉक्स में लगता है, अडानी ग्रुप के काफी शेयर्स में ये एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी में लग जाता है। जो भी स्टॉक ऑपरेटर्स के हाथ में आ जाता है और वो रडार पर आ जाता है कि वहां पर कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, उस स्टॉक के अंदर बेसिकली से भी ये ASM लगा देता है। अब यहां आप देखिए इनका इंपैक्ट क्या हुआ, यहां से अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पर आप देखिए ये वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हुए, पहले वॉल्यूम्स थे एवरेज, एकदम से वॉल्यूम सडनली बढ़े और लगातार 5 दिन तक वॉल्यूम्स बढ़ते रहे ऑलमोस्ट सेम से अमाउंट में। इट मींस क्या है कि जो बेसिकली ऑपरेटर था वो चाह रहा था कि एक साथ बाइंग ना की जाए कि सो दैट कि इंपैक्ट ऐसा ना आए कि लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे, लेकिन इतने वॉल्यूम्स आने के बाद में हुआ यही है कि ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट की तरफ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया एंड इसके जो लेवल थे वो आप देखिए तकरीबन यहां पर 25 रुपीज के आसपास के थे और इस वॉल्यूम की बार तक अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट लग के 32 रुपीज तक पहुंच गया था एंड लगातार यहां पर बाइंग हुई। और देखिए जब उसका मोटिव पूरा हो गया यानी कि इस बाइंग की वजह से 25 रुपए का स्टॉक 32 रुपए का हो गया, यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए ऑपरेटर का मोटिव पूरा हुआ और यहां पर आके उसने सेलिंग कर दी और इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल किया यानी कि ऑलमोस्ट जितनी क्वांटिटी रही होगी वहां पर सारी की सारी सेल करता हुआ नजर आया ये ऑपरेटर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप बेसिकली मूव को सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के यहां पर पोजीशन बनाते हैं तो रिटेल ट्रेडर का फंसना हो जाता है यानी कि आपका फंसना हो जाता है।
जाता है, वो तो पैसे बना के चला गया। उसके बाद अगेन उसने क्या किया, देखिए अगले दिन देखिए फिर एक अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई दिए, अगले दिन उसके नेक्स्ट डे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर दो दिन से फिर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए। और ये क्लियर इंडिकेशन था कि जब वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं एंड प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप का पोजीशन यहां पर बना रखी है ऑपरेटर ने, और तीन चार दिन फिर बढ़ाया प्राइस, कहां से कहां पहुंचा। अगर आप इससे देखें इन लेवल से जहां पर इसने बिकवाली करी थी, ये लेवल्स आ गए थे 32 रुपीज के, 32 रुपीज के लेवल से फिर इसने 41 रुपीज तक ये पहुंचा दिया, और फिर से 9 रुपए के मूव को गेन करने के लिए फिर यहां पर हैवी सेलिंग कर दी। तो इतनी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर यहां पर दिखाई दे रही है कि आपको इसको समझना चाहिए कि ये स्टॉक अभी फिलहाल की कंडीशन में लेने लायक नहीं है, ना तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके अंदर कोई साल भर की पोजीशन बना लूं एक साल की, तब के लिए भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और खासकर अगर आप RSI देखें तो RSI इसका कहां पर है, OBZ में, यानी कि ओवरबॉट जोन में। ओवरबॉट जोन वो जोन होता है जहां पर बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी होती है किसी स्टॉक में, एंड इसको ये कहा जाता है कि स्टॉक जो है अंडर ओवर वैल्यूड हो गया है, इतनी उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू के साथ में यहां पर बाइंग हो गई है। इसीलिए जब तक RSI नीचे नहीं आ जाता अपने नॉर्मल बैंड में एंड यहां पर आकर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ नहीं निकलता, तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो लॉन्ग साइड में ट्रेड ले रहे हैं, ये इंडिकेशंस आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्राइस एक्शन प्लस RSI प्लस वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप बेसिकली इस तरीके से फंसते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि इन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाया, मार्केट के अंदर ये न्यूज आ चुकी है ऑलरेडी, इन्होंने खुद कम्युनिकेट किया है BSE इंडिया की वेबसाइट पर, लोग देखेंगे YouTube के जरिए देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, उनको लगेगा कि कल स्टॉक भागेगा, और बाकी में स्टॉक भाग भी सकता है, 41 के ऊपर के नए लेवल भी दिखा सकता है। बट ये तो क्लियर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहां पर वॉल्यूम ज्यादा भी होते हैं तो भी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेटर एक्टिव है, और वो एक ऐसे लेवल पर ले जाकर आपको यहां पर इस स्टॉक के अंदर बिकवाली करेगा जो आप बिल्कुल फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब देखिए अपर सर्किट लग के स्टॉक ऊपर निकलता है, तब बिकवाली जब ये ऑपरेटर्स करते हैं तो फिर नीचे का लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में आपको निकलने का भी टाइम नहीं मिलता। एंड इस स्टॉक के अंदर ऐसा था, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, ये स्टॉक बहुत फेयर वैल्यू के साथ अब तक चलता हुआ नजर आ रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले यहां पर ऐसी सिचुएशन हुई है कि इसके अंदर ASM लगता हुआ दिखाई दिया है। तो 8 रुपए का ये स्टॉक और 41 रुपीज पर पहुंच गया, तकरीबन 5 टाइम्स हो गया है, लेकिन अभी इस स्टॉक के अंदर पोजीशन लेना नहीं बनता है। इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस के बाद में आई होप कि ये चीज समझ में जरूर आई होगी आपको कि मैं क्यों आपको ये चीज कह रहा हूं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी न्यूज के बेसिस पर या फिर किसी ऐसी र्यूमर के बेसिस पर आप पोजीशन बनाए कि आपको फिर कैपिटल अपनी फंसानी पड़ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है 40 रुपए के स्टॉक के अंदर या फिर अभी इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 39 रुपीज के आसपास है, वहां पर जब एक रिटेल ट्रेडर आता है जिसको समझ कम है, वो बल्क में बाइंग करने की सोचता है, वो सोचता है कि मैं रिलायंस का स्टॉक 2700 रुपए पर लेके क्या करूंगा, मैं 40 रुपए का स्टॉक ले लेता हूं, 1 लाख रुपए में इतनी क्वांटिटी आ जाएगी जिसमें इसकी देखिए केवल 50 क्वांटिटी पूरी नहीं आ पाएंगी। तो ये जो मेंटालिटी होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान कराता है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, देखिए जो बेसिकली नोविस है, जो मार्केट्स के अंदर नोविस प्लेयर है, वो ऐसी गलती करता ही है, और गलती करके ही हम लोग सब सीखते हैं। लेकिन अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आप ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे जहां पर आपको अपनी कैपिटल फंसानी पड़ जाए। यानी कि अगर बहुत ज्यादा आपका मन कर ही रहा है कि मुझे इस स्टॉक के अंदर लगाना ही है पैसे, तो यहां से ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं प्ले करना, थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर आप बेसिकली बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, एंड जैसे ही प्रॉफिट हो आपको एग्जैक्टली वहां से एग्जिट भी करना चाहिए, अदरवाइज फिर तो डेफिनेटली आप फंसेंगे जब भी ऑपरेटर्स वहां पर स्टॉक को डंप करता हुआ नजर आएगा। तो ये ओवरऑल व्यू है देखिए, जिसके अंदर ट्राइडेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है वो भी मैंने बताने की कोशिश करी है, एंड टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले 2 और वीडियोज आज की तारीख में ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूं, वो वीडियोज भी जाकर आप डेफिनेटली चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, एंड चैनल को देखिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।